नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इला जी, अर्चना जी, दीपाली जी और श्रीम जी और मिस्टर शर्मा जी, दिलखुश जी, पूजा तिवारी जी, आनंदिता जी, मधु जी, श्रीम जी, संजू शर्मा जी, हिमानी जी और पूजा कुमारी जी, दीपाली यादव जी, कंचन लता जी, दिलखुश जी, अर्चना ठाकुर जी, श्रीम, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के इतने प्यार के लिए मैं बहुत ज़्यादा आपकी आभारी हूँ। अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। चलिए आज का वीडियो देखते हैं। आज हम बात करेंगे पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल, जिसका समय था संवत 1375 से 1700 तक का। ठीक है, पहला आपने पढ़ा वीरगाथा काल 1050 से 1375, कब से 1050 से 1375। अब हम पढ़ेंगे भक्ति काल 1375 से 1700 तक। ठीक है, अभी इसका प्रकरण पहला है सामान्य परिचय। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए अवकाश न रह गया। अपने सामने ही उसके मंदिर, देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी स्थिति में अपनी वीरता के गान ना तो वे गा सकते थे और न लज्जित हुए बिना सुन सकते थे। रामचंद्र शुक्ल जी की ये बात बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी ये कह रहे हैं कि जब मुसलमानों का राज्य भारत में प्रतिष्ठित हो गया तो हिंदू जनता में न गर्व, न उत्साह, कुछ भी बाकी नहीं रहा। उसके सामने ही उसके मंदिर तोड़ दिए जाते थे और जो उसके पूज्य पुरुष थे उनका अपमान कर दिया जाता था और वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे और ना ही ऐसे में वीरता के गीत गाए जा सकते थे। क्योंकि वीरता के गीत नहीं गाए जा सकते थे, इसलिए यहाँ से एक अन्य धारा चली। उन्होंने कहा ना, चित्त वृत्ति के अनुसार ही साहित्य का सृजन होना चाहिए। इसके पहले वो अपने राजाओं की, आश्रयदाता राजाओं की वीरता के गान गाते थे, लेकिन अब वो किसकी वीरता के गान गाते हैं, है ना? तो ना वीरता के गीत वो गा सकते थे और ना बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुसलमान साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय में बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त तो कोई दूसरा मार्ग ही क्या था। मतलब इससे पूर्व आपने वीरगाथा काल पढ़ा, पहले जहां राजाओं की, आश्रयदाता राजाओं की वीरता का गान होता था, लेकिन अब वो किसका गान करते? वो इतने हताश हो चुके थे, मुस्लिम राज्य स्थापित हो चुका था, बार बार उन्हें अपमान झेलना पड़ रहा था और जब भी कभी मनुष्य के सामने ऐसी स्थिति उपस्थित होती है तो उसको एक ही मार्ग नजर आता है, वो है भक्ति का मार्ग, और एक ही आश्रयदाता नजर आता है, वो ईश्वर। ठीक है, यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी यही कहना चाह रहे हैं। यह तो ही राजनीतिक परिस्थितियां। अब धार्मिक स्थिति देखिए। आदिकाल के अंतर्गत यह दिखाया जा चुका है कि जिस प्रकार वज्रयानी सिद्ध, कापालिक आदि देश के पूर्वी भागों में और नागपंथी जोगी पश्चिमी भागों में रमते चले आ रहे हैं, बताया था मैंने, इस बात से इसका अनुमान हो सकता है कि सामान्य जनता की धर्म भावना इतनी दबती जा रही थी कि उसका हृदय धर्म से कितनी दूर हटता चला जा रहा था। ये जैसे आपको पहले भी बताया गया, जब भी कोई चीज़ शुरू होती तो वो शुद्ध रूप में शुरू होती, लेकिन धीरे 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 उसमें जाने कितने आडंबर और जाने कितनी दूषित चीज़ें शामिल हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जितने भी धर्म आप यहाँ पे नाम गिनाए गए हैं, वज्र यानी सिद्ध, कपालिक और नाथपंथी, इन सब में, यहाँ तक कि जो प्रतिष्ठित बौद्ध धर्म में भी आगे चल के ऐसी ऐसी समस्याएँ आ गई कि जनता का जो मन था यहाँ से भी उब गया। राजनीतिक परिस्थितियों में मुस्लिम राज्य स्थापित होने से वो परेशान हो गए,
धार्मिक परिस्थितियों में भी जो देश का चल रहा था वातावरण, वहां उनको आश्रय नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीन धाराओं पे चलता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीन धाराओं पर में चलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे इसको याद रखिएगा। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, जो धर्म का प्रवाह होता है, जो धर्म प्रवाहित होता है, पुष्पित पल्लवित होता है, आगे बढ़ता है, उसके लिए तीन धाराएं जरूरी हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूरी सजीव दशा में रहता है। सजीव दशा में रहता है मतलब जीवित रहता है, तभी धर्म समाज में जीवित रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है ना। कर्म, ज्ञान और भक्ति, तीनों में से अगर कोई एक भी कम है तो धर्म विकलांग हो जाता है ना। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, अगर कर्म नहीं होगा समाज में पूरे, आप समझ लीजिए कि किसी के धर्म के नाम पे अगर कर्म बंद हो जाए तो धर्म को लूला लंगड़ा समझना चाहिए। यदि धर्म में ज्ञान ना समाहित हो तो वह अंधा, और यदि भक्ति ना हो तो हृदय विहीन, क्या निष्प्राण रहता है। ठीक है, इसलिए धर्म में इन तीनों का होना बहुत जरूरी है। ज्ञान के अधिकारी तो सामान्य से बहुत अधिक समुन्नत और विकसित बुद्धि के कुछ थोड़े से विशिष्ट व्यक्ति ही होते हैं। ठीक है, वो रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, जो विशिष्ट ज्ञान के अधिकारी होते हैं वो सामान्य से बहुत अधिक समुन्नत विकसित बुद्धि के कुछ लोग होते हैं। सारा जो समाज होता है वो ज्ञान का अधिकारी नहीं होता है, बहुत थोड़े से लोग होते हैं, विशिष्ट व्यक्ति होते हैं। कर्म और भक्ति के सहारे ही जन समुदाय की कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है। ये लाइन भी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। सारे जन समुदाय की संपत्ति किसको बता रहे हैं? कर्म और भक्ति को। हिंदी साहित्य में आदिकाल में कर्म तो अर्थ शून्य, विधि विधान, तीर्थाटन, पर्व स्नान इत्यादि से संकुचित घेरे में बहुत कुछ बद्ध चला आता था, है ना। धर्म की भावनात्मक अनुभूति या भक्ति जिसका सूत्रपात महाभारत काल में और विस्तृत प्रवर्तन पुराण काल में हुआ था, कभी कहीं दबती और कभी कहीं उपरती किसी प्रकार चली भर आ रही थी। अर्थ शून्य, बाहरी विधि विधान, तीर्थाटन, पर्व स्थान आदि से निरसता जैसे संस्कार फैलने का जो कार्य वज्र यानी सिद्धों और नागपंथी जोगियों द्वारा हुआ, उसका उल्लेख हो चुका है। पर उनका उद्देश्य कर्म को उस तंग गड्ढे से निकालकर प्राकृत धर्म के खुले क्षेत्र में लाना नहीं था, बल्कि एक बारगी किनारे ढकेल देना था। मतलब जो ये सिद्ध नागपंथी और ये सब हुए, ये इनका उद्देश्य कर्म को नहीं बाहर खींच कर लाना था। उनको ये जनता में कर्म की शिक्षा उन्होंने नहीं दी, बल्कि उसे एक बार और ज़्यादा किनारे पर ढकेल दिया। उन्होंने कर्म की प्रधानता की जगह बहुत ज़्यादा आडंबरों में जनता को घेर दिया। जनता की दृष्टि को आत्मकल्याण और लोक कल्याण विधायक सच्चे कर्मों की ले जाने के बदले उसे वे कर्म क्षेत्र से ही हटाने में लग गए। मतलब जहाँ जनता की दृष्टि को उन्होंने आत्मा के कल्याण के लिए, पूरे समाज के कल्याण के लिए और सच्चे कर्मों के तरफ ले जाना चाहिए था, वहाँ उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको कर्म क्षेत्र से, कर्तव्य क्षेत्र से हटाने में ही जुट गए। उनकी वाणी तो गुह रहस्य और सिद्धि को लेकर उठी थी। अपनी रहस्य दर्शिता की धाक जमाने के लिए वे बाह्य जगत की बातें छोड़ घट के भीतर कोठों की बात बताया करते थे। मतलब वो पूरे संसार की बात नहीं करते थे, वो रहस्यमयी बातें करते थे, है ना। घट के भीतर घट और कोठे, इस तरह की बातें करते थे। प्रेम, भक्ति आदि हृदय के प्राकृत भावों में उनकी अंतस्थाना का कोई स्थान नहीं था।
उनकी जो साधना थी उसमें प्रेम भक्ति हृदय के जो प्राकृतिक भाव होते हैं, जो मनुष्य में विद्यमान होते हैं प्राकृतिक रूप से, उनका कोई स्थान नहीं था। क्योंकि इसके द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना तो सबके लिए सुलभ कहा जा सकता है। मतलब अगर भक्ति और प्रेम की बात कही जाए तो भक्ति और प्रेम के द्वारा तो सभी लोग ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ये जो रहस्यवादी थे, सिद्ध थे, नाथ थे, इस रास्ते से जन समुदाय ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता था। उनका वो लोग तो सिर्फ अपनी धाक जमा रहे थे, अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे थे। सामान्य अशिक्षित और या अर्ध शिक्षित जनता पर इनकी वाणियों का प्रभाव इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता था कि वह सच्चे शुभ कर्मों के मार्ग से तथा भगवद गीता के स्वाभाविक हृदय पद्धति से हटकर अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र और उपचारों में जा उलझे। क्योंकि सामान्य जनता थी वो या तो अर्ध शिक्षित थी या अशिक्षित थी, वो इनकी वाणियों को सुनकर डर ही जाती थी और भगवद गीता की स्वाभाविक पद्धति से छोड़कर वो तंत्र मंत्र और उनके उपचारों में जाकर उलझ गई। इसी दशा की ओर लक्ष्य करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, गोरख जगायो जो भगति भगायो लो। जब गोरख जी ने जोग जगाया अपना तो लोगों ने भक्ति को भगा दिया, दूर कर दिया स्वयं से। बहुत ज्यादा पूछी जाती है ये पंक्ति, बिल्कुल याद रखिएगा, तुलसीदास जी की पंक्ति बहुत ज्यादा पूछी जाती। सारांश ये है कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो गया था, प्रतिवर्तन के लिए बहुत कड़े धक्कों की आवश्यकता थी, है ना। ये इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा इसमें से पूछे जाते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऊपर जिस अवस्था के अधिक दर्शन हुआ वे सामान्य जन समुदाय की थी। मतलब ऊपर जिस जो भी अवस्था दिखाई गई, जिसकी बात हुई, वो किसकी थी? सामान्य जन समुदाय की। शास्त्र के विद्वानों पर सिद्धों और योगियों की वाणियों का कोई असर ना था, है ना। जो शास्त्रज्ञ विद्वान थे, जो जिन्होंने वेद पुराण और शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त कर रखी थी, उनके ऊपर इनकी वाणियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे इधर उधर पड़े अपना कार्य करते जा रहे थे। पंडितों के शास्त्रार्थ भी होते थे, दार्शनिक खंडन मंडन के ग्रंथ भी लिखे जाते थे, विशेष चर्चा वेदांत की थी। ब्रह्म सूत्रों पर, उपनिषदों पर, गीता पर भाष्य की परंपरा विद्व मंडली के भीतर चल रही थी, जिसमें परंपरागत भक्ति मार्ग के सिद्धांत के पक्ष का कई रूपों में नूतन विकास हुआ। जन समुदाय तो नाथों और पंथों की बातों में आकर भक्ति के मार्ग से भटक गया था, लेकिन जो विद्वान मंडली थी वो चुपचाप इधर उधर पड़ी, मतलब कहीं कहीं पड़ी हुई दूर अपना कार्य करती जा रही थी, जिससे परंपरा भक्तिगत जो मार्ग था भक्ति का, उसके सिद्धांत के कई सारे नए रूप विकसित होकर आए। अब आगे देखते हैं वो कौन से रूप थे। कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। क्रमशः भक्ति का वह प्रवाह ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में भी न जाने कितने आ गए। मतलब उसके लपेटे में सिर्फ हिंदू जनता ही नहीं आई, सहृदय जो मुसलमान थे उसमें भी जाने कितने लोग उसके लपेटे में आ गए। किसके? जो भक्ति उस समय जगाई गई, विद्वानों ने जो भक्ति की भावना लोगों में जगाई, उसकी बात हो रही है। प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर भक्त कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव की दृष्टियों को हटाकर पीछे कर दिया, है ना। उन भक्त कवियों ने क्या किया, हिंदू और मुसलमानों दोनों को मनुष्य का सामान्य रूप दिखाया कि दोनों एक ही हैं, और जो भेदभाव होता था उसको हटाकर पीछे कर दिया। भक्ति
का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़े हुए जनता के हृदय के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिल गया। ठीक है, भक्ति का स्रोत कहाँ से बता रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी? दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की तरफ आया, है ना। जिसने क्या किया, ये लाइन बहुत ज़्यादा पूछी जाती, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके परिवर्तन के कारण जो शून्य पड़े हुए जनता के हृदय के क्षेत्र में फैलने का पूरा स्थान मिला। किसको? भक्ति को। रामानुजाचार्य संवत 1073, है ना, 1073 से ने, जिनका जन्म हुआ था 1073 में, ने शास्त्रीय पद्धति से जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली जा रही थी। गुजरात में माधवाचार्य जी ने, जो जिनका समय संवत 1254 से 1333 है, तीन आए हैं माधवाचार्य, है ना, ने अपने द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया। माधवाचार्य जी के बारे में खास ये देखिए, इनका जो मृत्यु का समय है वो एक छोड़ के तीन 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 है, तीन बार तीन है ना, और इन्होंने द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया था। चीज़ें बहुत ध्यान रखिएगा यहाँ से आती हैं, जिसकी ओर बहुत से लोग झुके। देश के पूर्वी भाग में जयदेव ने कृष्ण प्रेम संगीत की गूंज, पूर्वी भाग में जयदेव जी के कृष्ण प्रेम संगीत की गूंज चली आ रही थी, जिसके सुर में मिथिला के कोकिल विद्यापति ने अपना सुर मिलाया। उत्तर या मध्य भारत में एक ओर तो ईसा की 15वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा के में स्वामी रामानंद जी हुए, उन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया और एक बड़ा भारी संप्रदाय खड़ा किया। दूसरी ओर वल्लभाचार्य जी ने प्रेम मूर्ति कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया। अब ये देखिए, उस समय रामानंद जी ने, स्वामी रामानंद जी ने, वल्लभाचार्य जी ने किस तरह से उस समय की जनता को संभाला। कहीं ना कहीं आज आप परिस्थिति देख रहे होंगे, इस समय पे जो जन सामान्य है वो बहुत त्रस्त है। आप देख रहे हैं बाहर कितनी तरह की परेशानियां आई हुई हैं, तो कहीं ना कहीं उस समय तो इससे भी बहुत खराब स्थिति थी। तो ऐसे में स्वामी रामानंद जी ने, वल्लभाचार्य जी ने बहुत ज़्यादा जनता को संभाला, है ना, एक तरफ तांत्रिकों और सबके उससे खींच के लाए, एक तरफ जहाँ जनता अपने में हीन होती चली जा रही थी, उसको ये लग रहा था कि अब कुछ संभव नहीं है, वहाँ पर इन लोगों ने जनता को एक रोशनी दिखाई, एक आशा की किरण दिखाई कि अब भी जीवन का कुछ उद्देश्य है। इस प्रकार रामोपासक और कृष्णोपासक भक्तों की परंपराएं चली, जिसमें आगे चलकर हिंदी काव्य को प्रौढ़ता पर पहुंचाने वाले जगमगाते रत्नों का विकास हुआ। एक और तो इन्होंने जनता को संभाला, उसके अलावा इनकी परंपराओं ने हिंदी काव्य को प्रौढ़ता पर पहुंचाया, है ना। इन भक्तों ने ब्रह्म के सत और आनंद स्वरूप का साक्षात्कार राम और कृष्ण के रूप में इस बाह्य जगत के व्यक्त क्षेत्र में किया। एक ओर तो प्राचीन सगुणोपासक का यह काव्य क्षेत्र तैयार हुआ, दूसरी ओर मुसलमानों के बस जाने से देश में जो नई परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उनकी दृष्टि से हिंदू मुसलमानों दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का विकास भी होने लगा, है ना। इसके विकास के लिए किस प्रकार वीर गाथा काल में ही सिद्धों, नाथपंथियों, योगियों द्वारा मार्ग निकाला जा चुका था, ये दिखाया जा चुका है। मतलब ये जो सामान्य मार्ग था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक साथ लेकर चलने की बात थी, ये सिद्धों और योगियों के समय से ही, नाथों के समय से ही शुरू हो गया था। वज्रयान के अनुयायी अधिकतर नीची जाति के थे, अतः जाति पाति की व्यवस्था से उनका असंतोष स्वाभाविक था। नाथ संप्रदाय में भी शस्त्रज्ञ विद्वान नहीं आते थे। इस संप्रदाय के कनफटे रमते जो योगी घट के भीतर चक्रों, सहस्त्र दल, कमल, ईला, पिंगला, नाड़ियों इत्यादि की ओर संकेत करने वाली रहस्यमयी बानियां सुनाकर
और करामात दिखाकर अपनी सिद्धाई की धाक सामान्य जनता पर जमाए हुए थे। अब ये नाथपंथी भी जो वज्र यानी शाखा के जो लोग थे वो क्या थे, वो ज़्यादातर निम्न जाति के थे, ठीक है। तो और जो नाथपंथी थे ये भी शस्त्रज्ञ विद्वान नहीं थे, तो उन्होंने ऐसी चीज़ों का सहारा लिया कि ज़्यादा उनसे कोई बहस ही ना कर पाए। इतनी रहस्यमयी होती थी उनकी बानियाँ कि सुनकर जनता सिर्फ आश्चर्य ही कर सकती थी, बहस नहीं कर सकती थी, तर्क नहीं कर सकती थी। वे लोग ऐसी बातें सुनाते आ रहे थे कि वेद शास्त्र पढ़ने से क्या होता है, बाहरी पूजा अर्चना की विधियां व्यर्थ हैं, ईश्वर को तो प्रत्येक के घट के भीतर है, अंतर्मुख साधना से ही वे प्राप्त हो सकता है। हिंदू मुस्लिम दोनों एक हैं और दोनों की शुद्ध साधना का मार्ग भी एक है, जाति पात के वेद व्यर्थ किए खड़े किए गए इत्यादि। इन जोगियों के पंथ में कुछ मुसलमान भी आ गए, इनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। भक्ति आंदोलन के जो लहर दक्षिण भारत से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थितियों के अनुसार हिंदू मुसलमानों दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंतः साधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथपंथी कर चुके थे, ये हम कह चुके हैं, पर रागात्मक तत्व से रहित साधना से ही मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध भक्त नामदेव, जिनका समय 1328 से 1408, ने हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का भी आभास दिया। उसके पीछे कबीर दास जी ने विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप में यह मार्ग निर्गुण पंथ के नाम से चलाया। अभी इनके बारे में विस्तृत वर्णन आगे आने वाले वीडियो में होगा, अभी यहाँ पे सिर्फ परिचय कराया जा रहा है। पूरा भक्ति काल का प्रवाह किस तरह से हुआ, अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको जो क्रम है उनको याद करने में बहुत सुविधा होगी, आपके वो क्रम गलत नहीं होंगे। अगर आप इसको एक कहानी की तरह समझते जाएंगे कि किस तरह से मुसलमान आए, उसके बाद क्या हुआ, फिर किस तरह से भक्ति का प्रारंभ हुआ, है ना, तो अगर इसको इस तरह से समझते जाएंगे तो आपको बहुत सुविधा होगी याद करने में। भेदभाव को निर्दिष्ट करने वाली उपासना के बाहरी विधानों को अलग रखकर उन्होंने अंतस्थाधना पर जोर दिया था, पर नाथपंथियों की अंतस्थाधना हृदय पक्ष शून्य थी, उसमें प्रेम तत्व का अभाव था। कबीर ने यद्यपि नाथपंथ की बहुत सी बातें अपनी वाणी में जगह दी, पर यह बात उन्हें खटकी, जिनका संकेत उनके ये वचन देते हैं। कौन से वचन हैं, चलिए देख लेते हैं। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रहना काहू, झिलमिल झगड़ा झूलते आगे रही न काहू, गोरख अटके कौलपुर कौन कहा वैस आहू, बहुत दिवस ते हिंडियां शून्य समाधि लगाई, करहा पड़िया गाड़ में दूरी पड़ा पछताई, करहा माने करब यानी हाथी का बच्चा, हठ योग क्रिया करने वाला, किसको कह रहे हैं, हठ योग की क्रिया करने वाले को, है ना। अतः कबीर ने जिस प्रकार का एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण पंथ धूमधाम से निकाला, है ना। उन्होंने एक तरफ तो ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत को स्वीकार किया और दूसरी तरफ उन्होंने सूफियों के प्रेम तत्व को भी स्वीकार किया और उनको मिलाकर निर्गुण पंथ का धूमधाम से निर्गुण पंथ की स्थापना की। बात यह थी कि भारतीय भक्ति मार्ग साकार और सगुण रूप को लेकर चल रहा था, निर्गुण और निराकार ब्रह्म भक्ति या प्रेम का विषय नहीं माना जाता था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। यह भी पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है।
इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस भाग बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ठीक है, उनके द्वारा ये बहुत ही आवश्यक कार्य हुआ। इसके साथ ही मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। उनका निर्गुण पंथ चल निकला जिसमें नानक, दादू, मलूक दास आदि संत हुए। कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंतस्थाधना में रागात्मिका, भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। मतलब इन लोग कबीर ने और निर्गुण पंथी संतों ने भक्ति को और ज्ञान को तो अपनी साधना में शामिल किया, लेकिन उन्होंने कर्म करने का कहीं भी कर्म करने को प्रोत्साहन नहीं दिया, उन्होंने कर्म को प्रोत्साहन नहीं दिया। इन संतों ने ईश्वर ज्ञान स्वरूप और इनके जो ईश्वर थे इन संतों के, वो ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप ही रहे, धर्म स्वरूप ना हो पाए। ईश्वर के धर्म स्वरूप को लेकर, उस स्वरूप को लेकर जिसकी रमणीय अभिव्यक्ति लोक की रक्षा और रंजन में होती है, प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग की राम भक्ति शाखा से उठी। जिसको वास्तविक भक्ति मानते थे रामचंद्र शुक्ल जी, उनका कहना था कि वो तीनों चीज़ें भक्ति, ज्ञान और कर्म कहाँ से उठा, वैष्णव भक्ति मार्ग की राम भक्ति शाखा से, जिसने इन तीनों को प्रोत्साहित किया, इन तीनों का उपदेश दिया। कृष्ण भक्ति शाखा केवल प्रेम स्वरूप को ही लेकर नई उमंग से फैली, है ना, कृष्ण भक्ति शाखा में प्रेम पर ही ज़्यादा जोर दिया गया। यह एक बात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है कि साधना के जो तीन अवयव कर्म, ज्ञान और भक्ति कहे गए हैं, वे सब काल पाकर दोष ग्रस्त हो सकते हैं। मतलब रामचंद्र शुक्ल जी ये कह रहे हैं कि हाँ, ये तीन आवश्यक तत्व हैं, लेकिन जब समय मिलता है तो समय के बढ़ने के साथ ये भी दोषग्रस्त हो सकते हैं, ये भी वो मान रहे हैं। कर्म अर्थ शून्य विधि विधानों से निकम्मा हो सकता है, ज्ञान रहस्य और गुह की भावना से पाखंड पूर्ण हो सकता है, और भक्ति इंद्रियोपभोग की वासना से कलुषित हो सकती है। और जो ये कह रहे हैं वो आगे चल के हम लोगों ने देखा भी भाई, जब भी कर्म के नाम पर हम कर्म कांड करेंगे तो वो इस तरह के विधि विधानों से निकम्मा हो जाएगा। ज्ञान को लेकर अगर हम साधारण और ऐसे जिस मतलब जो समाज को आगे बढ़ाए ऐसे ज्ञान की बात ना लेकर अगर हम गुह्य और रहस्यवादी ज्ञान की ही सिर्फ बातें करते जाएंगे तो वो भी पाखंडपूर्ण हो जाएगा। और भक्ति जब तक मतलब अगर उसमें भी इंद्रियोपभोग की भावना अधिक जागृत हो गई, उसमें भी अगर कहीं वासना समाहित हो गई तो वो भी कलुषित हो जाएगा। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लाइन है, इसको बिल्कुल लिख लीजिएगा। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है, सिर्फ प्रेम से नहीं होती है। अगर सिर्फ प्रेम होगा तो वहाँ इंद्रियों के भोग की और वासना के बढ़ने की संभावना रहती है, वहाँ पर श्रद्धा भी होनी चाहिए। जहाँ श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव जिसका लगाव धर्म से होता है छोड़कर केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ले जाएगी, वहाँ अवश्य विलासिता से ग्रस्त हो जाएगी। यही मैंने अभी कहा। इस दृष्टि से यदि हम देखें तो कबीर का ज्ञान पक्ष तो रहस्य और गुह की भावना से विकृत मिलेगा, पर सूफियों से जो प्रेम तत्व उन्होंने लिया वह सूफियों के चाहे जहाँ चाहे काम वासना से ग्रस्त हुआ हो पर निर्गुण पंथ में अविकृत रहा।
मतलब निर्गुण पंथ में ज्ञान का पक्ष तो कुछ विकृत हो गया क्योंकि उसमें रहस्य और गुह्य भावनाएं शामिल हो गई, लेकिन जो उन्होंने सूफियों से प्रेम तत्व लिया वो अविकृत रूप में रहा, ये निसंदेह प्रशंसा की बात है। वैष्णवों की जो कृष्ण भक्ति शाखा ने केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली, पर यह हुआ कि उसने अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जगाई। राम भक्ति शाखा में भक्ति सर्वांग पूर्ण रही। कारण भी दे रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है कि क्योंकि राम की भक्ति की जो साधना थी वो सर्वांग पूर्ण रही थी, इससे वह विकृत ना होने पाई। तुलसी पद्धति में कर्म और ज्ञान का पूरा सामंजस्य और समन्वय रहा। इधर आजकल अलबत्ता कुछ लोगों ने कृष्ण भक्ति शाखा के अनुसरण पर उसमें भी माधुर्य भाव का गूढ़ रहस्य घुसाने का उद्योग किया है, जिससे सखी संप्रदाय निकल पड़े हैं और राम भक्त और राम की भी तिरछी चितवन और बाकी अदा के गीत गाए जाने लगे हैं। मनुष्य का स्वभाव वो है कि उसको आप कितनी भी अच्छी चीज दीजिए वो उसको विकृत कर ही देता है। अब ये देखिए, जहाँ पर एक समय राम भक्ति शाखा सर्वांग पूर्ण रही, उसमें कोई विकृति नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों ने जब उसमें माधुर्य भाव अधिक घुसाया तो उसको विकृत होने की कोशिश करने की कोशिश की। हालांकि राम भक्ति शाखा विकृत नहीं हुई, कुछ लोगों ने कृष्ण भक्त हाँ राम भक्ति शाखा विकृत नहीं होने पाई, ये एक अच्छी बात है। तभी रामचंद्र जो मानस है उसका उस समय से लेकर आज तक इतना ज़्यादा महत्व है, क्योंकि वास्तव में वो उसमें सर्वांग पूर्ण थी। वो ये जन्म ये सामान्य भक्ति मार्ग एकेश्वरवाद का एक निश्चित स्वरूप लेकर खड़ा हुआ, जो कभी ब्रह्मवाद की ओर ढलता और कभी पैगंबरी खुदावाद की ओर। यह निर्गुण पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसकी ओर ले जाने वाली सबसे पहली प्रवृत्ति जो लक्षित हुई वह ऊंच नीच और जाति पाति का भाव त्याग और ईश्वर की भक्ति के लिए मनुष्य मात्र का समान अधिकार होने की बात स्वीकार था। मतलब निर्गुण पंथ का जो पहला लक्षण था वो जात पात ऊंच नीच को छोड़कर सभी के लिए ईश्वर मात्र के लिए ईश्वर की भक्ति को स्वीकार के अधिकार को स्वीकार करना था। इस भाव का सूत्रपात भक्ति मार्ग के भीतर महाराष्ट्र और मध्य देश में नामदेव और रामानंद जी के द्वारा हुआ। महाराष्ट्र के देश में नामदेव का जन्म काल शक संवत 1192 में और मृत्यु काल शक संवत 1272 में प्रसिद्ध है। ये दक्षिण के नरूसीब मनी यानी 17 जिला के दर्जी थे। पीछे पंडरपुर के विठोबा यानी विष्णु भगवान के मंदिर में भगवत भजन करते हुए अपने दिन बिताते थे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।